मेष राशि से छुपी हुई बात जल्दी ही आपके सामने आ सकती है। चंद्रमा फायदा देने वाली स्थिति में है। दिन भर आप बिजी रहेंगे, जल्दी ही आपके सामने अच्छे मौके आ सकते हैं। बिजनेस या शिक्षा के कारणों से यात्रा का कार्यक्रम भी जल्दी बन सकता है। सहयोग और दोस्ती से ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। ऊंचा पद पाने की इच्छा तेज हो सकती है। सिर्फ अपनी उपलब्धियों को अपने बॉस की जानकारी में रख दें। कामकाज के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा, सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। नेगेटिव, आज खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। चोरी या कोई सामान गुम होने का डर रहेगा, सावधान रहे। कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं, इससे आपको ही आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। क्या करें, पानी में हरा रंग मिलाकर घर या ऑफिस के बाहर फेंक दें। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, आपका पार्टनर भावुक रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर बिजनेस के कुछ बड़े फैसले सोच समझ कर ले। ऑफिस या फील्ड में किसी से विवाद भी होने के योग है। अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इंजीनियर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। हेल्थ सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिन भर दौड़ भाग से थकान हो सकती है। वृषभ, आपके पास काम बहुत रहेगा, समय रुकते ही पूरा कर ले। कुछ रचनात्मक या नया करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल हो सकते हैं। कामकाज पर पूरा ध्यान दें, आपको इससे फायदा हो सकता है। आपकी इमेज अच्छी होगी, सोचे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। सामूहिक कामों के लिए दिन अच्छा है। दूसरों के मन में चलती बातें आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं। हर फ्लू पर समझौते का मन बनाकर चले, यह आपके फेवर में साबित होगा। बल्कि बहुत से लोग आपकी बात का समर्थन कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं, उनकी याद भी आ सकती है। प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं, सेहत भी अच्छी रहेगी। नेगेटिव, कुछ मामलों में किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। कहीं फालतू खर्चा ना करें और कोई नया कर्ज ना लें। विवाद और तनाव की संभावना है, कुछ लोग आपको चुनौती देंगे। विवाद से बचकर चलें, हानि हो सकती है। दिन भर संभल कर चलना होगा। क्या करें, पानी में टू बूंद और मूत्र मिलाकर नहाएं। लव पार्टनर के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। मन की बातें करेंगे, लवर का साथ मिलने से मूड भी अच्छा रहेगा। करियर बिजनेस बढ़ाने के मौके मिलेंगे। प्रतिष्ठित लोगों से कांटेक्ट होगा। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, सफलता मिलने के भी योग है। हेल्थ सेहत ठीक रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी। मिथुन, पॉजिटिव, दूर स्थान पर रहने वाले किसी योग्य विद्वान और अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या बातचीत होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है। कुछ नए अनुभव मिलने के भी योग बन रहे हैं। ऑफिस में बड़े अधिकारियों से आपकी अच्छी बात होगी। परिवार के साथ समय बीतेगा, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा, संतान की तरफ ध्यान रहेगा। नेगेटिव, चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में होने से आपके लिए धन हानि और कमजोर स्वास्थ्य की स्थिति बना रहा है। खर्च और नुकसान बढ़ने के संकेत आपको मिल सकते हैं। आप जो कोशिश करेंगे उसके परिणाम आपको आज नहीं मिल पाएंगे। पैसों के मामले में किसी भी तरह की रिस्क लेने से बचें। किसी को उधार पैसा ना दें, पैसों से जुड़ा वादा भी ना करें। अपने मन की बातें दूसरों से शेयर करेंगे तो आपकी ही परेशानी बढ़ सकती है। क्या करें, किसी ब्राह्मण को अनार का जूस पिलाएं। लव जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अविवाहित प्रेमियों को प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है। करियर बिजनेस में नए सौदे मिलेंगे, रोजगार भी मिलेगा। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। हेल्थ, सिर के रोग होने के योग है, सावधान रहे, दुर्घटना या चोट भी लग सकती है। कर्क, पॉजिटिव, धन लाभ होने की गुंजाइश है। सैलरी बढ़ने के भी योग है। पैसों के मामले में अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आज मिल जाएगी।
किसी रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। खुद में जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करने के लिए भी अच्छा समय है। नजदीकी संबंधों में सुधार होने के योग हैं। कोई नया काम करने का मन बन सकता है। रोजमर्रा के कुछ काम आसानी से और किस्मत की मदद से पूरे हो जाएंगे। कहीं से भी आपको फायदा मिले तो उसे स्वीकार कर ले। बिजनेस अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन ठीक है। नेगेटिव पैसों के मामलों में थोड़े परेशान हो सकते हैं। ऑफिस में काम काज भी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण कुछ कामों पर आप पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ मौकों पर आप थोड़े झुंझला सकते हैं, किसी से फालतू बहस भी कर सकते हैं। सावधान रहे, ऑफिस का माहौल ठीक नहीं लगेगा। क्या करें, आंवला पाउडर खाएं? लव, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर दें। अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी मीडिएटर की मदद ना लें। करियर, बिजनेस संबंधी कानूनी विवादों का निपटारा हो सकता है। बिजनेस में फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। हेल्थ, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। कोई बड़ा रोग भी हो सकता है। सिंह, पॉजिटिव लोग आपको मदद के साथ सलाह भी देंगे। सारी परिस्थिति आप अपने दम पर संभाल लेंगे। जिस काम पर आप पिछले कुछ समय से मेहनत करते आ रहे हैं, आपको उसका फायदा भी होगा। आपको जो काम दिया गया है, उसके बारे में साथ के लोगों से साफ साफ बात करें। दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आज आपको दोस्त, प्रेमी या जीवन साथी किसी से भी सहयोग मिल सकता है। अपोजिट जेंडर में आपकी रुचि रहेगी। इस राशि के अविवाहित लोगों का रिश्ता भी तय हो सकता है। नए लोगों से मिलने के भी योग बन रहे हैं। नेगेटिव, ऑफिस में माहौल थोड़ा गंभीर रहेगा। समस्याएं भी बढ़ सकती है। शक्ति और सावधानी से भी काम करने का दिन है। ऑफिस या फील्ड में कोई बखेड़ा भी हो सकता है, संभल कर रहना होगा। मानसिक क्लेश या स्वभाव में उग्रता हो सकती है, सावधान रहे। क्या करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं? लव, जीवन साथी की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर का भी मूड खराब हो सकता है। करियर, बिजनेस में सफलता मिलेगी। नौकरी में भी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ, ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावधान रहना होगा। कन्या, पॉजिटिव दिन फायदेमंद रहेगा। जहां तक हो सके अपने काम और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें। आपकी महत्वाकांक्षाएं भी चरम पर हो सकती है। व्यावहारिक ढंग से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी पार्ट टाइम काम या एक्स्ट्रा इनकम के बारे में विचार बन सकता है। ऑफिस में बहुत से काम आसानी से हो जाएंगे। आज आप दूसरों की मदद करने के लिए हर समय पूरी तरह तैयार रहेंगे। किसी कठिन परिस्थिति में आपको भी चपचाप करना पड़ सकता है। रोजमर्रा के कामों में किस्मत की मदद मिलेगी। अचानक फायदा होने के योग हैं। आज आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो कह दें। राजनीति से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। कोई बड़ी सफलता मिलने के योग है। कला संगीत में भी रुचि बढ़ने के योग है। नेगेटिव, अपने खान पान पर कंट्रोल करें। जीवन शैली में जो भी बदलाव करना चाह रहे हैं, उससे आपके आसपास के लोग जरा भी सहमत नहीं हो पाएंगे। मामा पक्ष से भी अनबन होने के योग बन रहे हैं। साथ के ही कुछ लोगों से सावधान रहे। कुछ लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। क्या करें, लौंग पर कुमकुम लगा कर पानी में बहा दें? लव, जीवन साथी से मदद मिल सकती है। मान सम्मान बना रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। करियर, स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी ना करें। बिजनेस में सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक विषयों के छात्रों को आसानी से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, मौसमी बीमारियां हो सकती है, सावधान रहे। एलर्जी से भी परेशान रहेंगे। तुला, पॉजिटिव, आप में ऊर्जा का स्तर भी सामान्य रहेगा। दूसरों के साथ व्यवहार में आप दिमाग से काम लेंगे। साथ काम करने वाले लोग आज आपके लिए मददगार हो सकते हैं। किसी नई योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं। थोड़े धैर्य से काम लें और टकराव की स्थितियों से बचकर चलें।
आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। नेगेटिव, कोई खास सौदा या बड़ा फैसला लेने से बचे। कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने से आप परेशान हो सकते हैं। दिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दिन भर कहीं ना कहीं कोई रुकावट की स्थिति रहेगी। जोश में आकर किसी को भी बिना मांगी सलाह ना दे। चंद्रमा के कारण अचानक नुकसान भी हो सकता है। क्या करें, मीठे चावल में केसर डालकर खाएं? लव पार्टनर बिना कहे आपके दिल की बात समझ लेगा, प्यार बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। करियर अच्छी ग्राहकी होगी। कार्यस्थल पर सुखद वातावरण हो सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। इस राशि वालों को मेहनत से सफलता मिलेगी। हेल्थ, एसिडिटी और पेट दर्द भी रहेगा। कम भोजन करें, सेहत के मामले में सावधान रहें। वृश्चिक, चंद्रमा आपके भाइयों और दोस्तों के संबंध पर असर डाल सकता है। बिजनेस या कार्य क्षेत्र में कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। नई प्लानिंग भी शुरू करने का मन है या प्लानिंग बना रहे हैं तो आपके लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है। आमदनी बढ़ाने का अच्छा मौका मिल सकता है। कोशिश जरूर करें। यह भी हो सकता है कि आज आपको खरीदारी करते समय किसी तरह का फायदा हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के दिमाग में नए आइडिया आ सकते हैं, लेकिन आप आज कुछ संवेदनशील भी हो सकते हैं। आज आपको कुछ चीजों की नए सिरे से शुरुआत भी करनी पड़ सकती है। नेगेटिव, खर्चे की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। कामकाज भी ज्यादा हो सकता है। मानसिक तनाव बना रहेगा। खर्चा भी बढ़ सकता है। क्या करें, तिल और गुड़ खाएं। लव जीवन साथी को तरक्की मिलने के योग है। प्रेम में सफलता और सुख मिलेगा। करियर, कारोबार संबंधी नए फैसले लेने से बचना होगा। संभल कर रहे, दुश्मनों के प्रति लापरवाही ना करें। वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। मदद मिल सकती है। हेल्थ, पेट दर्द होने के योग है। भोजन सावधानी से करें। धनु, पॉजिटिव, करियर में जो कदम उठाएंगे उनका असर लंबे समय तक आप पर रहेगा। आप सामाजिक दायरे में सक्रिय रहेंगे। सभी से मिलकर बातें करेंगे। सामूहिक रूप से किए जाने वाले कामों में आपको सफलता मिल सकती है। दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार किसी खास मामले में आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है। कुछ काम आप दूसरों पर छोड़ दें। बाहर घूमने का भी मन बनेगा। नया वाहन खरीदने की इच्छा होगी। आप खर्चे पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेगेटिव, परिवार के सदस्य की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है। आप ऐसा ना सोचें कि हर काम आपको ही करना है। रोजमर्रा के कामों में झूठ का सहारा भी लेना पड़ सकता है। आज बोला गया झूठ आने वाले दिनों में आपको भाग दौड़ करवा सकता है। अपनी बात रखने में उतावले और उत्सुक भी हो सकते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है। संभल कर रहे, क्या करें, घर या ऑफिस की किसी मशीन की ऑयलिंग करें। लव, प्रेम में सफलता मिल सकती है। प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा है। करियर, आपका कारोबार फायदेमंद रहेगा। नए सौदों से फायदा हो सकता है, लेकिन खर्चा भी बढ़ने के योग है। स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, नींद की कमी और थकान महसूस होगी। बदन और सिर दर्द हो सकता है। मकर, पॉजिटिव, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज जो भी करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ ही करेंगे। पुराने तनाव और दबाव बहुत हद तक खत्म हो सकते हैं। पैसों से जुड़े किसी मामले को सुलझाने का काम टालते आ रहे हैं तो उस पर नई शुरुआत करने के लिहाज से दिन अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी ही बड़े सुधार हो सकते हैं। बिजनेस भी अच्छा चलेगा। सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। नए पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। आपकी इनकम भी अच्छी होगी। बिजनेस और नौकरी में प्रगति के योग है। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। लाइफ पार्टनर से भी मदद मिल सकती है। नेगेटिव, मकर राशि वाले लोगों का अचानक मूड खराब हो सकता है।
किसी बात से लगातार डर बना रह सकता है। इस राशि वाले कुछ लोगों का मन काम में नहीं लगेगा। एक साथ कई तरह के विचार भी आपके मन में चलते रहेंगे। क्या करें, हल्दी और कुमकुम मिलाकर किसी मंदिर में स्वस्तिक बनाएं। लव पार्टनर ज्यादा ही संवेदनशील हो सकता है। सोच समझ कर बोले, छोटी सी बात पर भी बड़े विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। करियर काम की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। जायदाद संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय भी सामान्य है। हेल्थ कर राशि वाले लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। थकान भी दूर हो सकती है। कुंभ पॉजिटिव, बहुत से मामलों में दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप अनुशासन और खुद के सम्मान को लेकर बहुत सावधान रहेंगे। प्रेम और रोमांस के लिहाज से भी दिन ठीक है। आप धैर्यपूर्वक आसपास के लोगों की हरकतों को सहन कर सकते हैं। समय आने पर आप अपनी बात भी कहेंगे, तब तक धैर्य रखें। इनकम सामान्य रहेगी। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। नेगेटिव, जब आप अपनी बात पर जोर देंगे तो जरूरत से ज्यादा आक्रामक भी हो सकते हैं। आप संकोची भी रहेंगे। बिजनेस के मामलों में सावधान और चौकन्ने रहें। करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपके कुछ दोस्तों का व्यवहार भी जरूरत से ज्यादा अजीब हो सकता है। उग्रता के कारण धन हानि के योग बन रहे हैं। किसी से भी विवाद में ना पड़े, विवाद बढ़ सकता है और आप अपमानित हो सकते हैं। क्या करें, पूर्व दिशा में घी का दीपक लगाएं। लव पूरा दिन पार्टनर के साथ बीतेगा। प्रेम और सहयोग मिलेगा। करियर कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की मदद नहीं मिल पाएगी। वाणी पर संयम रखें, विवाद भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। हेल्थ सेहत सामान्य रहेगी। थकान या बदन दर्द हो सकता है। मीन पॉजिटिव, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हर काम दिल खोलकर करने से फायदा हो सकता है। स्वार्थ से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे अपनी बात कहना चाहे तो उसकी बात ध्यान से सुने। आप काल्पनिकता से दूर और व्यावहारिक रहें। आज आप अपने काम पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मन में कई तरह की बातें चलती रहेंगी। मौका मिले तो अकेले बैठकर थोड़ा विचार करें। नेगेटिव, कुछ कामकाज में मन नहीं लगेगा। परिवार की समस्याओं में व्यस्त हो सकते हैं। कुछ कामकाज अधूरे रह सकते हैं। जो काम जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ज्यादा बदलाव करने की कोशिश ना करें, कोई फायदा नहीं है। बोलते समय सावधानी रखें। आप ना कुछ चाहेंगे लेकिन कोई और बात निकल सकती है। इससे आपके आसपास के लोगों को कोई गलतफहमी भी हो सकती है। क्या करें, पनीर या मक्खन खाएं। लव दिन अच्छा रहेगा। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पार्टनर का मिजाज अच्छा रहेगा। करियर बिजनेस में फायदेमंद सौदे होने के योग है। नौकरी में पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं। कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस राशि वालों को सफलता मिलेगी। हेल्थ, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मानसिक शांति मिल सकती है।